आईपीएल 2024 से पहले केएल राहुल ने एलएसजी को दे दिया बड़ा झटका। किया ऐसा फैसला, सदमे में करोड़ों फैंस। आगामी आईपीएल सीजन अगले मार्च के अंत में शुरू होने की संभावना है। इस सीजन से पहले 19 दिसंबर को दुबई में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों की नीलामी होने जा रही है। इस नीलामी से पहले टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर केएल राहुल ने बड़ा कदम उठाया है। एलएसजी के कप्तान ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन को लेकर कुछ ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बारे में जानकर करोड़ों फैंस को झटका लग सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। केएल राहुल को लेकर आई बड़ी अपडेट। मालूम हो कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में ओपनर के तौर पर शुरुआत की थी। इसके बाद वह फिर वनडे में पांचवें नंबर पर भारत की पहली पसंद बन गए। इसके बाद वनडे में उनकी नंबर पांच पर जगह पक्की हो गई। वनडे की तरह अब इस खिलाड़ी ने सभी फॉर्मेट में मध्य क्रम में हाथ आजमाने की पेशकश की है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के पास सभी फॉर्मेट में ओपनर बल्लेबाजों के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। इस कारण से राहुल के लिए सभी प्रारूपों में एक खिलाड़ी के रूप में खेलने का एक मात्र तरीका मध्य क्रम में खेलना होगा। आईपीएल 2024 के आगाज से पहले केएल राहुल ने फ्रेंचाइजी को दिया झटका। जहां तक आईपीएल का सवाल है, केएल राहुल ने आईपीएल में मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरुआत की और जल्द ही 2024 सीजन में इस भूमिका में वापसी कर सकते हैं। क्रिकबस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के कप्तान पहले ही मध्य क्रम में बल्लेबाजी को लेकर प्रबंधन से बातचीत कर चुके हैं। बता दें कि एलएसजी के पास कई ओपनर बल्लेबाज हैं जिनमें काइल मेयर्स, क्विंटन डीकॉक और हाल ही में ट्रेड किए गए देवदत्त पडिक्कल शामिल है।